हल्द्वानी में आचार संहिता के बीच कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को कोरोना योद्धाओं की पीड़ा से रूबरू होना पड़ गया। वेतन न मिलने से परेशान महिला उपनल कर्मचारी फूट फूट कर रोते हुए मुख्यमंत्री के पैरों में गिर पड़ी। महिला कर्मचारी ने कहा, मुख्यमंत्री जी, हम ऐसे कोरोना योद्धा हैं जो सड़क पर आ गए हैं, हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है। आपके प्रतिनिधि शंकर कोरंगा ने भी हमें धोखा दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी महिला कर्मचारियों को रोकने में जुटे रहे। महिला कर्मचारियों की पीड़ा को आधा अधूरा सुनने के बाद मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान उपनल कर्मचारियों में मुख्यमंत्री के खिलाफ रोष देखने को मिला। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री से कोविड की दूसरी लहर के दौरान 3 माह का मानदेय न मिलने की पीड़ा जाहिर की। ऐसे कोरोना वॉरियर है रोड पे खड़े, आज हमारा कुछ भी भविष्य अंधकार में हो गया सर, आप हमारा कुछ भी कीजिए, हमारे बच्चे रोड पे है, ये बताइए जब एक राज्य की बात कोई नहीं मानता, धोखा दिया उन्होंने।